वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्कस दिस प्रोसेस एज वेल एज द कैलकुलेशन विच इज़ रिलेटेड टू अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो जो भी फ्यूल हमारे पास होता है, उस फ्यूल की क्वालिटी के मेजरमेंट को हम एनालिसिस ऑफ फ्यूल कहते हैं, जिसके दो मेथड्स हैं जो हमने इससे पहली वीडियो में समझे थे। द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे आप देख सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ फ्यूल को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देर आर टू कैटेगरीज, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट। इस वीडियो में हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, उस एनालिसिस में हम फ्यूल के चार अलग अलग परसेंट कॉम्पोजिशंस को डिटर्मिन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इसमें से सबसे पहला हमारे पास आता है मॉइस्चर परसेंटेज। मॉइस्चर के बाद में हम सेकेंड कैटेगरी निकालते हैं, विच इज़ वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज, कि फ्यूल के अंदर कितने अमाउंट में वेपोराइजिंग मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, यानी ऐसे मटेरियल जो मटेरियल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज, ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज। इस ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद, अगर हम तीनों पोर्शंस को मिला दें, मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर और ऐश, तो इनकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। तो इस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम अपने इन चार परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिटरमिन करेंगे कि किस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा मॉइस्चर के लिए होगा, देन वॉलेटाइल मैटर, देन ऐश और लास्ट वन फॉर फिक्स्ड कार्बन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए एयर ड्राइड पाउडर्ड कोल। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोल सैंपल है, जिस कोल सैंपल को हमने पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको एयर के अंदर ड्राई कर लिया। उस एयर ड्राइड कोल में से, क्योंकि एयर में हम ड्राई कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकल जाता है। ये जो एयर ड्राइड पाउडर्ड कोल है, इसको हम आगे किसी फर्दर प्रोसीडिंग से पहले वे करेंगे। तो यहाँ से जो वेट हमें मिलेगा, सपोज इट इज़ एम ग्राम, हमने इसको ग्राम की फॉर्म में कंसिडर कर लिया कि जो वेट हमें इस कोल का मिला, दैट इज़ एम ग्राम। अब हम क्या करेंगे, हम इस कोल को प्लेस करेंगे एक हॉट एयर अवन के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज को निकालने के लिए। तो दिस कोल विल बी प्लेस्ड इन ए हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन, जो हॉट एयर अवन है, उस हॉट एयर अवन के अंदर हम अपने इस कोल को रखेंगे लगभग एक घंटे के लिए एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हॉट एयर अवन के अंदर हम प्लेस कर रहे हैं, कितनी देर के लिए प्लेस कर रहे हैं, एक घंटे के लिए प्लेस कर रहे हैं। जब हमारा कोल इस हॉट एयर अवन के अंदर होगा, तो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसके अंदर से सारा का सारा जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमने कोल को सफिशियंट टाइम के लिए हॉट एयर अवन के अंदर रखा है। और जितना भी मॉइस्चर होगा, यानी जितना भी वाटर कंटेंट होगा, उसका वेपोराइजिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रिकॉशनरी बेसिस पर हम टेम्परेचर थोड़ा सा और हाई करके रख रहे हैं। इसके बाद जो कोल हमें यहाँ से मिलेगा, उसको हम पहले ठंडा करेंगे कूल इन डेसिकेटर। डेसिकेटर एक कांच का बना हुआ एक एपरेटस होता है, ग्लासफेयर होता है, जिसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। जिस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की वजह से इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। तो जो हॉट एयर अवन से निकलने वाला कोल है, उसको अगर हम खुली हवा में रखकर ही ठंडा कर देंगे, तो वो एयर के मॉइस्चर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हम इसको कहाँ ठंडा करते हैं, हम इसको ठंडा करते हैं एक डेसिकेटर के अंदर। यहाँ से जो कोल हमें मिलेगा वो कैसा होगा, दैट विल बी मॉइस्चर फ्री कोल। ये जो मॉइस्चर फ्री कोल है, इस मॉइस्चर फ्री कोल को हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से इसको वे करेंगे। इसी की हेल्प से हम मॉइस्चर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। यानी इस स्टेप में मिलने वाले
कोल को भी हमने क्या किया, वे किया। अब सपोज हमारे पास जो वेट आया वो आया M1 ग्राम। तो ये जो मॉइस्चर फ्री कोल है, इस मॉइस्चर फ्री कोल से फिर हम आगे के स्टेप को कंप्लीट करेंगे, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज। साथ ही साथ यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ से हम निकालने वाले हैं मॉइस्चर परसेंटेज, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस M1 ग्राम वेट हम मॉइस्चर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो मॉइस्चर फ्री कोल हमें मिला, इस कोल को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और उसको फिर हम प्लेस करेंगे मफल फर्नेस के अंदर। तो दिस मॉइस्चर फ्री कोल कवर्ड विद अ लिड, कवर्ड विद अ लिड, और फिर इसको हमें कहाँ प्लेस करना है, इसको हमें प्लेस करना है एक मफल फर्नेस के अंदर। दैट इज अ फर्नेस जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यानी हमने अपने इस कोल को क्या किया, इसको हमने प्लेस किया किसके अंदर, मफेल फर्नेस के अंदर। कितनी देर के लिए प्लेस करेंगे, बहुत कम टाइम के लिए हमें प्लेस करना है, क्योंकि इस मफेल फर्नेस में हमें अपने फ्यूल का कंबशन नहीं करना। तो हम इसको प्लेस करते हैं ओनली फॉर 7 मिनट्स एट 925 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर हम इसको रख रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, अपने फ्यूल को कवर कर दिया। कवर करने की वजह से फ्यूल का कम्बशन नहीं होगा। तो दैट मीन्स हम अपने फ्यूल को बिना कम्बस्ट किए उसमें से सारे वॉलेटाइल मैटर को यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। तो जो वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल हमें मिलेगा, उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से कूल करेंगे। यानी हर स्टेप के बाद हमें अपने कोल को क्या करना है, कूल करना है। कहाँ करना है, डेसिकेटर के अंदर करना है। तो दैट इज कूल इन डेसिकेटर। डेसिकेटर के अंदर कूल करने के बाद में जो कोल हमें मिलेगा वो कैसा होगा नेचर में, वो होगा वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल। इट इज वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल। तो इस स्टेप पे भी हम वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज की कैलकुलेट करेंगे, यानी जो कोल हमें मिला है उसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें वे करना होगा। तो इसका वेट हम ले लेंगे और सपोज ये हमारे पास आया M2 ग्राम। तो हम हर एक स्टेप पर अपने कोल को वे करते जा रहे हैं। यहां से हम निकालेंगे वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज। इस वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज को निकालने के बाद में फिर हम अपने कोल को आगे प्रोसीड करेंगे बर्निंग प्रोसेस के लिए। यानी अब तक तो हमने अपने कोल को बचा कर रखा है, उसका कंबशन नहीं किया, बट अब हमें फ्यूल का कंबशन करना है। तो द कोल विल बी बर्न इन, एक ओपन क्रूसिबल लेंगे, ओपन क्रूसिबल, और इस क्रूसिबल के अंदर हम अपने फ्यूल को लगभग 30 मिनट के लिए जलाएंगे, फॉर 30 मिनट्स एट 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे हमने मफेल फर्नेस के लिए लिखा 925, तो दैट कैन बी 925 और 900 प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। सेम एज फॉर बर्निंग प्रोसेस, इट कैन बी 750 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस तक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो नियर अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस की रेंज की फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं। तो उस ओपन क्रूसिबल के अंदर जब हम अपने फ्यूल को जलाएंगे 30 मिनट के लिए, तो 30 मिनट में जितना भी इसका बर्निंग पार्ट होगा वो पूरा का पूरा जल जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट हमारे पास रेजिड्यू या ऐश की फॉर्म में रह जाएगा। तो उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रूसिबल है उसके अंदर जितना भी कंटेंट बचा, उस कंटेंट को फिर से हमें क्या करना है, डेसिकेटर में कूल करना है। यानी हर बार अगले स्टेप से पर बढ़ने से पहले हम पहले गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद उसको कूल कर रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास बचता है ऐश और वी कैन से रेजिड्यू। अब ये जो लास्ट में ऐश और रेजिड्यू बचा कूलिंग फॉर्म में, इस ऐश और रेजिड्यू को भी हम क्या करेंगे, वे करेंगे, जिसकी हेल्प से हम रेजिड्यू परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम कर रहे हैं वे,
और सपोज करो वे करने पर ये हमारे पास आता है M3 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज। तो हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने तीन चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए वेट लिखा है, लेकिन हमने कहीं पर भी कार्बन परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए वेट नहीं लिखा। तो 3% निकालने के बाद में हम टोटल 100 में से माइनस करके कार्बन परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी एक बार पहले देख लेते हैं अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को, ताकि कोई स्टेप हमारे दिमाग से मिस ना हो। हमारे पास है एयर ड्राइड पाउडर्ड कोल, जिसको हमने वे किया एम ग्राम की फॉर्म में। फिर इसको हमने प्लेस किया हॉट एयर ओवन के अंदर 1 घंटे के लिए 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, सो दैट इसका मॉइस्चर कंटेंट पूरा का पूरा निकल जाए, जितना भी वाटर फ्यूल के अंदर है वो पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाए। फिर इसको हम निकालेंगे, तो पहले ठंडा करेंगे डेसिकेटर में, उसके बाद हम इसका वेट करेंगे। जो वेट हमारे पास आया वो M1 ग्राम आया, और ये कैसे कोल का आया, मॉइस्चर फ्री कोल का आया। फिर हमने उस कोल को एक लिड से यानी एक ढक्कन से बंद किया, और उसको कहाँ प्लेस कर दिया, मफिल फर्नेस के अंदर प्लेस कर दिया 7 मिनट के लिए 925 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, क्योंकि हमें फ्यूल में से केवल और केवल जो गैसियस कंटेंट है उसको रिलीज करना है। यानी ऐसे सारे मटेरियल जो कि गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारे हाई टेम्परेचर पर अपनी रिएक्शन कंप्लीट करके गैस बना लेते हैं, और वो गैस फ्यूल में से निकल जाती है। उसके बाद हम अपने फ्यूल को ठंडा करेंगे फिर से, और हमें जो फ्यूल मिलेगा कूल होकर, दैट विल बी वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल, जिसका वेट हमने ले लिया M2 ग्राम। इस M2 ग्राम की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे अपने वॉलेटाइल मैटर को। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें अपने फ्यूल का अब कम्बशन करना है। तो फ्यूल मस्ट बी बर्न्ड इन एन ओपन क्रूसिबल। अब हम उसके कवरिंग को हटा देंगे और फ्यूल को सीधे सीधे जलाने का काम करेंगे। कितने टाइम के लिए हमें करना है इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हमें करना है फॉर 30 मिनट्स। कितने टेम्परेचर पर, 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब कंप्लीट कम्बशन हो जाएगा, तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है दैट विल बी ऐश और रेजिड्यू, उसको भी हमें वे करना होगा। M3 ग्राम की फॉर्म में वे किया है, बट वे करने से पहले हम क्या करेंगे, अगेन कूल इन डेसिकेटर। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज। तो अगर हम नीचे से ऊपर अपने पूरे प्रोसेस को देखें, तो हमारे पास टोटल 4 तरीके के वेट हैं। तो दैट मीन्स उन 4 वेट्स की हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन के पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर इतने पोर्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमें सारे वेट्स चाहिए जो जो हमने कंसिडर किए हैं। तो सबसे पहले जो वेट है वो हमारे पास है वेट ऑफ पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल। ये जो एयर ड्राइड कोल है, इसको हमने कंसिडर किया था एम ग्राम की फॉर्म में। इसके बाद दूसरा वेट हमारे पास है वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल। वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल, इस कोल को हमने कंसिडर किया था M1 ग्राम की फॉर्म में। तीसरा वेट हमारे पास था वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल। वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल, ये जो कोल हमारे पास आया था, इसको हमने कंसिडर किया था M2 ग्राम की फॉर्म में। और जो लास्ट वेट हमने कैलकुलेट किया, दैट इज M3, जो कि किसका वेट है, ऐश या रेजिड्यू का वेट है। तो दैट मीन्स वेट ऑफ ऐश ओब्लिक रेजिड्यू, ये हमारे पास कितना है, दैट इज M3 ग्राम। अब ये 4 अलग-अलग वेट हमारे पास हैं। इन 4 वेट्स की हेल्प से हम अपनी 4% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली परसेंटेज जो कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज मॉइस्चर परसेंटेज। मॉइस्चर परसेंटेज, तो मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट हमें किसके रेस्पेक्ट में करनी है, जो हमारे पास टोटल वेट ऑफ फ्यूल है उसके रेस्पेक्ट में कंसिडर करनी है। तो टोटल वेट ऑफ फ्यूल हमने कितना लिया है स्टार्टिंग में, एम ग्राम लिया है। तो अगर इन चारों M1, M2, M3 की फॉर्म में कंसिडर करें, तो हमारे पास मॉइस्चर फ्री कोल कौन सा है, M1, और टोटल कोल कौन सा है, M ग्राम। अगर हमें मॉइस्चर निकालना है, केवल मॉइस्चर, तो हम क्या करेंगे, इस मॉइस्चर फ्री कोल के वेट को टोटल वेट में से माइनस कर देंगे। तो मॉइस्चर परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू M-M1 अपॉन M इंटू 100।
100, यानी वेट ऑफ पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल माइनस वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल, तो इन दोनों को माइनस करके मॉइस्चर पर मॉइस्चर आ जाएगा हमारे पास, उसको हम एम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। इसके बाद सेकेंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर। तो वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अब हमें वेट चाहिए वॉलेटाइल मैटर का। यहाँ तक हमारे पास आया M1 ग्राम आया मॉइस्चर फ्री कोल का और M2 ग्राम आया वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल का। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल मैटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, M2 में से M1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी M2 को माइनस कर देंगे किसमें से, M1 में से, यानी जो मॉइस्चर फ्री कोल हमारे पास है उसमें से अगर हम वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल को माइनस कर दें और टोटल रेस्पेक्ट ऑफ एम के हम इसको कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज निकल कर आएगी किसकी, वॉलेटाइल मैटर की। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास है दैट इज ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज। तो इस ऐश का डायरेक्ट वेट हमने लिया था M3 ग्राम की फॉर्म में ये। तो ऐश परसेंटेज निकालने के लिए हमें सीधा सीधा M3 के लिए एम के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यानी जितना रेजिड्यू बचा है उस रेजिड्यू का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तीन मॉइस्चर वॉलेटाइल मैटर और रेजिड्यू की परसेंटेज हमारी कैलकुलेट हुई। बट हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हम यहाँ से फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो तीन वैल्यू हमारे पास आई उन तीन वैल्यू को हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो दैट विल बी 100 माइनस मॉइस्चर परसेंटेज प्लस वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज प्लस ऐश या रेजिड्यू परसेंटेज, इन तीनों को प्लस करके 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। तो ये टोटल चार फॉर्मूले हमारे पास हुए, पहला फॉर्मूला मॉइस्चर परसेंटेज के लिए, दूसरा फॉर्मूला हमारा है वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज के लिए दिस वन, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है ऐश या रेजिड्यू परसेंटेज के लिए, और इन तीनों की हेल्प से हमने अपना फोर्थ पार्ट कैलकुलेट किया विच इज फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। तो आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा प्रोसेस और उसके साथ इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और इसके बाद हम अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस की डिफरेंट कैलकुलेशन को भी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सो थैंक यू सो मच।